हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मूत्र विरेचन के लिए एक बहुत ही आसान आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहा हूं। बताने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही में दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, मूत्र विरेचन के लिए आज हम आपको एक बहुत ही सरल आयुर्वेदिक उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन भी स्त्री व पुरुष को पेशाब कम आता हो, पेशाब करते समय जलन होती हो, पेशाब साफ नहीं आता हो, तो वो हमारे इस प्रयोग को अपनाकर इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके सेवन करने से दोस्तों पेशाब खुलकर आएगा। पेशाब में पस सेल्स आने पर ये दोस्तों रामबाण का कार्य करता है। तो दोस्तों, आप भी इसे अपनाकर लाभ उठाएं। दोस्तों, इस प्रयोग को बनाने के लिए आपको चाहिए कबाब चीनी, रेवन चीनी, मुलठी, सफेद जीरा, कलमी सोरा। तो दोस्तों, इन सभी की आप 10-10 ग्राम की मात्रा ले लीजिए और इनके साथ ही में दोस्तों आप मिश्री ले लीजिए 30 ग्राम। तो दोस्तों, अब करना क्या है आपको, इन सभी को आप अच्छी तरह से कूट कर पीस कर इसका बारीक चूर्ण बना लें और किसी शीशी में भरकर आप इसे रख लें। इसके बाद दोस्तों, अब इस चूर्ण की आप 5 ग्राम की मात्रा को प्रातः खाली पेट गाय के कच्चे दूध की लस्सी के साथ आप इसका सेवन करें। तो दोस्तों, इसके सेवन करने से आपको पेशाब खुल कर आएगा और ना ही कोई जलन होगी। दोस्तों, कुछ ही दिनों के नियमित सेवन से आपको इसे 100% लाभ होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो और हमारा ये जो प्रयोग है आपको इससे अधिक से अधिक लाभ हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।